31 जुलाई को माता कलिसिया यीशु धर्म संघ के संस्थापक संत इग्नासियस लोयला का त्योहार मनाती है। इनका जन्म 1491 ईस्वी में उत्तरी स्पेन के लोयला गढ़ के एक कुलीन परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम इनिगो था। ये 13 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। ये दिखने में सुंदर और प्रशंसा पाने के लिए ललायित रहते थे। ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उस समय सैनिक सेवा के सिवा और कोई ऐसा विकल्प नहीं था जहां अपनी वीरता को दिखाया जा सकता था। अतः 25 साल की अवस्था में लोगों के दिल जीतने के मकसद से सिपाही बना और कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हुआ। 1521 ईस्वी में पंपलोना युद्ध के दरमियान एक तोप का गोला लगने के कारण संत इग्नासियस गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। पैरों पर गहरी चोट लगी थी, चलना फिरना संभव नहीं था, अतः उन्हें आराम करने की सलाह दी गई और इसी क्रम में टाइम पास के लिए वे कुछ पढ़ने की इच्छा जाहिर की। कहानी और उपन्यास जैसे मनोरंजक किताबों की अनुपलब्धता के कारण उन्हें बाइबल, संतों और यीशु की जीवनी पढ़ने के लिए दी गई। उन्हें पढ़कर और चिंतन द्वारा यीशु की शिक्षा और संतों की जीवनी का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दुनियावी महत्वाकांक्षी उसे झूठा लगने लगा। साधारण व्यक्ति संत बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, इस तरह के कई सवाल उनके मन दिल में उठने लगे और उन सवालों पर चिंतन कर नई प्रेरणाएं भी मिलने लगी। उन्हीं प्रेरणाओं से प्रेरित होकर वह संतों का अनुसरण करने और यीशु की सेवा करने का संकल्प लिया। उन्हें अपना महत्वाकांक्षी जीवन जीने का पछतावा हुआ। प्रार्थना करने और ईश्वर से जुड़ने की ललक जगी। वह ईश्वर को खोजने लगा और उसी के खोज में घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह मोनसेरात नामक जगह पहुंचा जो एक माता मरियम का सराइन था। वहां वह प्रार्थना की और वहीं अपना तलवार को टांग कर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक मनरेसा नामक गुफा मिले। वहीं करीब एक साल एकांत में मनन ध्यान, तपस्या और प्रार्थना करते हुए बिताया। अपने जीवन पर चिंतन किया। वहां उनको कई सुंदर अनोखे आध्यात्मिक अनुभव हुए। उसी को आधार बनाकर बाद में उन्होंने आध्यात्मिक साधना नामक पुस्तक की रचना की, जो आज भी साधकों के लिए बहुत उपयोगी होता है। जीवित रहने के लिए उन्होंने भिक्षा मांगकर अपनी मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति की। इसके बाद वे पवित्र भूमि की तीर्थ यात्रा पर निकल गए। रास्ता लंबा और कठिन था, पर उसने ईश्वर के लिए तकलीफ उठाने की ठान ली थी, इसलिए उसकी परवाह नहीं हुई। जहां प्रभु यीशु अपने लौकिक जीवन जिया था और पवित्र किया था, उसे गहराई से महसूस किया। उनका मन कर रहा था कि वहीं बस जाए, पर यह संभव नहीं हो पाया। उन्हें आत्माओं की मुक्ति के लिए कुछ करने की प्रेरणाएं मिले। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह अपनी पढ़ाई जारी की। उन्होंने लैटिन भाषा, दर्शन शास्त्र, ईश शास्त्र और अन्य जरूरी विषयों का अध्ययन किया और अपने को काबिल बनाया। उन्होंने कला में मास्टर की उपाधि पाई। पेरिस में अपनी पढ़ाई करते समय संत इग्नासियस अपनी नम्रता और धार्मिकता से कुछ युवकों का दिल जीत लिया। उनमें धन्य पीटर फारेब एवं संत फ्रांसिस जेवियर थे। दुनियादारी के प्रलोभनों से उन्हें बचाने के लिए वह यीशु ख्रीस्त के कथन,
मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा ही गंवा दे, को अक्सर सुनाया करता था। उन उत्साही युवकों के सहयोग से संत इग्नासियस लोयला 1540 ईस्वी में येसु सामाजिक धर्म संघ की स्थापना की। लोगों को शिक्षा देना, पाप स्वीकार सुनना और आध्यात्मिकता में मजबूत करने के लिए प्रवचन देना उनका मुख्य उद्देश्य था। यह धर्म संघ बहुत शीघ्र विश्व के विभिन्न देशों में फैल गई। संत इग्नासियस रोम में ही रहकर लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। आज भी उस धर्म संघ के पुरोहित और धर्म बंधु बहुत क्रियाशील है और संघ का मोटो ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। हमारी छोटा नागपुर की कलिसिया में येसु समाजी पुरोहितों का विशेष योगदान रहा है। प्रभु ख्रिस्त के वीर संत इग्नासियस की मृत्यु 31 जुलाई 1556 ईस्वी में हुई। 27 जुलाई 1609 ईस्वी में संत पापा पौल पांचवें ने उन्हें धन्य घोषित किया और 12 मार्च 1622 ईस्वी में संत पापा ग्रेगोरी 15वें ने संत का दर्जा दिया। 1922 ईस्वी में वे आध्यात्मिक साधकों के संरक्षक संत घोषित किए गए।